लव इज हराम, नो लव इज हराम। इस्लाम में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ही प्यार है, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। इस्लाम में हराम, प्यार कैसे हराम हो सकता है? इस्लाम तो सब की अमन, पीस, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, शफकत, इस्लाम तो नाम ही इसी चीज़ का है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट प्यार और मोहब्बत, शफकत, अमन, सकून, अदल, इन सारी चीज़ों का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया ही इस्लाम ने है। सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस्लाम में है इस चीज़ का। वो हराम लव जो है, जिसके जो अल्लाह ताला के अहकाम को टकराता है, और वो तो फिर हराम है। लेकिन जो असल प्यार है, भाई भाई का प्यार, मियाँ बीवी का प्यार, माँ बाप का प्यार, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से प्यार, बहन का बहन से प्यार, तो इस्लाम तो ऐसा रिलीजन है, ऐसी चीज़ है कि जिसमें मुसलमान, अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दिल दुखाता है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इट्स अ ग्रेट सिन, इट्स अ कबीरा गुनाह, जो हमें पता भी नहीं होता। हम अपनी फ्लो फ्लो में क्या क्या बोल जाते हैं, और अगले इंसान का अगर दिल दुख जाए तो बहुत बड़ा गुनाह है। और क़यामत वाले दिन उस गुनाह के एवज जो आपने उसके साथ उसका दिल दुखाया, आपको अपनी नेकियां देनी पड़ जाएंगी।